नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग्स पे जो आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आया था गुवाहाटी पंजाबाड़ी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में, जो जिसको सभी कला क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और गुवाहाटी के बीजो बीजी है ये प्लेस और ये इंस्टीट्यूशन खास करके बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट और असम की जो कला संस्कृति है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो आइए चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था। इसको 1990 में असम का जो कला संस्कृति है और जो एथनिक कम्युनिटी है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था अंडर द गवर्नमेंट अथॉरिटी। और ये गवर्नमेंट अपॉइंट किया हुआ जो डायरेक्टर है उसके अंडर में चलते हैं। तो एंट्री में आप लोग, एंट्री गेट में आप लोग को थोड़ा सा नॉमिनल फीस देना पड़ता है, एंट्री फी बच्चे के लिए 10 रुपया और बड़ों के लिए शायद 20 रुपया। तो आइए चलते हैं अंदर में देखते हैं। यहाँ जो आप एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ओपन स्पेस है, बहुत सारा यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, फूलों का पौधा, और वॉल पे चारों तरफ आपको ये जो असम का कला कृष्टि है और संस्कृति है उसको एग्जिबिट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा ये हिल टाइप पे है और ये हिल्स के साइड में वो जो यहाँ पे म्यूजियम भी है, स्टेडियम भी है, ओपन स्टेडियम थिएटर भी है, और बहुत सारा यहाँ पे आर्ट गैलरी भी है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असम का जो आर्ट आर्टिस्टिक एक्सलेंस है उसको एग्जिबिट किया हुआ है। और ख़ास करके ये जो नाम रखा गया था, ये असम का एक महान जो एक शख्स था, उनका नाम था श्रीमंत शंकरदेव, उन्हीं का नाम से ये इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया है। तो आप लोग सामने देख सकते हैं ये एक ओपन थिएटर है जहाँ ऑडियंस बैठने का अच्छा खासा जगह है, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ पे दिखाया जाता है। ये जो सामने देख रहे हैं हम लोग एक असम टाइप का घर, इसको असम टाइप का घर बोलता है, जो खास करके असम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप का घर जो आप लोग देख रहे हैं ये बहुत कंफर्टेबल होता है और इजी टू मेक होता है। और यहाँ पे जो गार्डन है, यहाँ पे डिवाइन गार्डन है, यहाँ पे सभी आके बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ भी है और फूलों का पौधा भी लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है। तो यहाँ पे जो अभी जो छोटा सा पौधा देख रहे हैं पेड़ में उगा है, इसको असम में इसका जो फूल होता है इसको ट्रेडिशनल यूज़ किया जाता है। और ये स्टोन, एक स्टोन है जहाँ पे ये अच्छे से रखा गया है, बहुत सुंदर है। कुल मिला के यहाँ का जो नज़ारा है और एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है। और यहाँ में बच्चे के लिए एक चिल्ड्रन पार्क भी है जहाँ पे टॉय ट्रेन भी है और झूलना भी है जो बच्चे खेल सकते हैं। तो सेहत के लिए ध्यान में रखते हुए ये चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया हुआ है, बच्चे का जो माइंड सेटअप है उसको डेवलप हो उसके लिए। तो आप लोग देख सकते हैं पेरेंट्स के साथ बच्चे भी ये टॉय ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो इसका आनंद आप लोग ले सकते हैं।
यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये गुवाहाटी का मतलब असम का एक मेजर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ से यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं। ये जो सारा देख रहे घर, ये सब मतलब यहाँ पे सब जो आर्टिस्टिक वर्क है यहाँ में प्रिजर्व किया हुआ है। तो चारों तरफ आपको एक शांत और हेवनली एनवायरनमेंट मिलेगा आपको आने के बाद। अच्छे से आप लोग यहाँ पे एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ और अच्छा भी लगता है। बहुत सारा लोग आते हैं, लोकल भी आते हैं और दूर से भी लोग आते हैं देखने के लिए जगह। और एक ख़ास बात है, जो हिस्ट्रिकल बातें होती हैं तो यहाँ पे आके बहुत सारे आप लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ख़ास करके बच्चे भी आते हैं, बड़े भी लोग आते हैं जो अनजान बात को जान सकते हैं। और इस छोटा सा वीडियो में पूरा दिखाना और बोलना तो मुमकिन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं एक रेनबो गेट है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ओपन स्पेस और ये जो बिल्डिंग है, ये मेन जो म्यूजियम जहाँ पे ढेरों सारे जो आर्टिस्टिक वर्क है और जो स्टैचू वगैरह है वहाँ में रखा गया है, वो एग्जिबिट किया हुआ है जो पब्लिक के लिए, जो आके देख सकते हैं। और ये जो देखिए एक ओपन स्टेज है, ओपन थिएटर, यहाँ पर फंक्शन होता रहता है, मीटिंग भी होता रहता है। तो आप लोग देख रहे हैं एक शायद फंक्शन चल ही रहा है यहाँ पे। तो इस ब्लॉग बनाने का मेरा खास मकसद है कि ये जो कल्चरल इंस्टीट्यूट है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना, क्योंकि असम एक एनरिच कल्चर का एक स्टेट है जो दूसरों को एक एंटरटेन भी करता है और हिस्ट्री के बारे में जो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो खास करके जो ये इंस्टीट्यूशन है उसी के बारे में है। और ये जो ओपन स्पेस है यहाँ पे बहुत सारा लोग आते हैं, बैठते हैं और मीटिंग और कोई फंक्शन वगैरह वगैरह सब चलता रहता है। और ये जो मेन बिल्डिंग है, ये म्यूजियम है, इसका अंदर में बहुत सारा एक्सलेंट आर्टिस्टिक वर्क यहाँ पे रखा गया हुआ है। और ये जो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा व्यू यहाँ पे मैंने दिखाया, बाहर से भी दिखाया, ये अंदर से लेना मना है, फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा एग्जिबिट किया हुआ है ये जो एक्सलेंट वर्क और आर्ट यहाँ पे लगाया हुआ है दीवारों पे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से ये सेटअप किया हुआ है। तो आप लोग आके पूरा देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं वीडियोस में नहीं आता, कोई कंप्लेंट करता है, इसलिए मैंने आया इस बार, मैंने अपने फेस को प्रेजेंट किया। मैं खास करके एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा ब्लॉग्स पे मैं ही हूँ और मैं शायद मेरे फैमिली मेम्बर को और यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ब्लॉग्स है और आगे भी मैं ये मेंटेन करता रहूँगा। तो ठीक है, ये तो बात हो गया। अभी ये जो साइज में सब लाइब्रेरी है और जितना सारा रिलीजियस और कल्चरल जितना बुक्स और पेंट है यहाँ में, ये आर्ट गैलरी में रखा गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो नज़ारा है, ये देखिए आप लोग सामने जो ये जो व्यू है, ये बहुत सुंदर इवनिंग व्यू है। यहाँ पे सारा आर्टिस्टिक वर्क यहाँ पे रखा गया है और असम का और नॉर्थ ईस्ट कल्चरल हेरिटेज जो रखा गया है, ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। माइंड पिचिंग जो प्लेस है, आपको यहाँ में आने के बाद बहुत सारा शांति मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं, ये मेन जो
जो ओपन थिएटर है वहाँ पे ये फाउंटेन लगाया गया है फौरा, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैंने भी एक फ़ोटो ले लिया ताकि मैं भी फ्रेम में रहूँ। सो क्योंकि मेरा पर्सनल ब्लॉग्स है, देखिए कितना सुंदर व्यू है इवनिंग टाइम में, ये फौरा लाइट और जो ग्रीनरी है इसके साथ कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छा लगता है। ये फुल व्यू है, देखिए ये फौरा कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मन शांत हो जाता है और बहुत सारा नॉलेज मिलता है यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, एक काइंड ऑफ अब हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने का ज़रूरत नहीं, देख के सीख सकते हैं, बच्चे भी सीख सकते हैं, सभी को भी जान सकते हैं इसके बारे में। तो आज की वीडियो में बहुत सारा बातें किया, सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। यहाँ पे जो ओपन स्पेस है, यहाँ में देखिए ओपन थिएटर है जहाँ पे लोग बैठ के और चारों तरफ बैठ के कोई भी फंक्शन, कोई भी जो भी यहाँ पे लोग आके करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई खाने का जगह भी यहाँ अवेलेबल है, और स्टडीज़ का जगह भी है, लाइब्रेरीज हैं, और बहुत सारा यहाँ पे प्रिजर्व करने का एक जगह अवेलेबल है। और लोग आके यहाँ पे इतिहास के बारे में, आसाम के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप लोग आइए देखिए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा प्लेस है। टूरिस्ट आके यहाँ पे स्टडीज़ करने का जो मौका मिलता है टूरिस्ट को, मतलब पूरा असम घूमने का ज़रूरत ही नहीं है, बिना जाए बिना कहीं पे के जाके आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। वो जो देख रहे हैं आप राइनोस, वो वन सिंगल हॉर्न और वन हॉर्न राइनोस ओनली असम में मिलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओनली असम में ही मिलता है। तो इस पूरा जो स्ट्रक्चर सेटअप किया है बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। तो जो जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए, बहुत सुंदर सुंदर वीडियो आने वाला है।